दोस्तों फर्स्ट हम फिट करने वाले हैं ये बैंड पाइप, बिकॉज सारा जो कैथलेटिक कन्वर्टर है ना वो इसके नीचे ही है। ये देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा कैथलेटिक कन्वर्टर, तो ये इसके नीचे ही है। एंड इसको हम चेंज कर देंगे, तो बैंड पाइप चेंज करने के बाद में साउंड जो है बहुत ही सही आता है ऐसा मैंने सुना है। तो इसको फिट करते हैं यहाँ पर, उसके लिए एग्जॉस्ट निकालना पड़ेगा एंड सारा जो है फिटिंग विटिंग दी हुई है। तो चलिए इसको पहले फिट करेंगे, फिर एग्जॉस्ट सुन के एग्जॉस्ट के साथ में आपको साउंड सुनाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं बैंड पाइप जो है निकल चुका है एंड इसी के अंदर होते हैं सारे कैथलेटिक कन्वर्टर, यहाँ से हम निकाल दिया है। अब ये फ्री फ्लो बैंड पाइप पूरा, इसमें कोई भी कैथलेटिक या फिल्टर नहीं दिखेगा आपको। एंड ये स्टॉक साइलेंसर है, दोनों रिमूव कर दिया, इंदौरी है और बैंड पाइप है, वो फिट करते हैं। दोस्तों बैंड पाइप जो है फिट हो चुका है, ये बैंड पाइप और कंपनी का बैंड पाइप यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अभी फ्री फ्लो बैंड पाइप में पहले हम साउंड सुनते हैं कि साउंड कैसा आता है एक्चुअल में। ये ओल्ड बुलेट जैसा थंब जो आता था, पुरानी बुलेट जैसा थंब जो है देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसमें HK इंदौरी लगाते हैं एंड देखते हैं साउंड कैसा आता है। दोस्तों एग्जॉस्ट भी फिट हो चुका है, बैंड पाइप जो है वो भी फिट हो चुकी है, ये फ्री फ्लो वाली बैंड पाइप है, HK के साथ में जो आती है वही है। अब हम सुनते हैं फाइनली इसका साउंड कैसा आता है। ओल्ड बुलेट की जैसे हैवी साउंड होता था ना, वैसा साउंड जो है आइडल पर सुनने को मिल रहा है। वाओ, थोड़ा हैवी लाउडनेस भी आ गया और डुक 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 जो थंप है ना वो भी सुनने को मिल रहा है। इंजन का साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा, बहुत ही सही जो है साउंड सुनने को मिल रहा है।